हाँ भाई, तो पहुँच गए दगरे कैफे। दगरे में पहुँच गए अभी, ख्याल से यही होटल है जहाँ पे हम लोग रहना है, यही है। एक ब्लॉग एंड हो गया, अभी एडिट करके फारिग हूँ। अभी सिर्फ रनर हो रहा है तो मैंने सोचा अपनी तैयारी शरीर शुरू करते हैं, तो अभी ब्लॉग एंड हुआ है। मेरा दिल था वैसे कल सुबह ब्लॉग ना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी पैकिंग करते हैं तो ब्लॉग थोड़ा बहुत और बन जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा ब्लॉग मुझे वैसे कैसा लग रहा तो भी मुझे ना अपना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी इतनी अच्छी लुक आती है और मज़ा आता है ऐसे ही अपने आप को देखा ना। और मैसे जो भी ना बाल और दाढ़ी नहीं कटवाता, ये लुक बड़ी अच्छी आ जाती है। खैर अभी पैक करें बैग और उसके बाद निकलते हैं। अभी आज के लिए मेरा बैग ये है, ये जिसमें मैं अपने कपड़े डालूंगा, और ये जिसमें मेरा सारा इक्विपमेंट होगा। पहले अपना कैमरा बैग लेके जा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये है कि जो मेरा लैपटॉप है वो पूरा नहीं आ रहा, तो ये बड़ा मसला हो गया मेरे लिए। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई टेक दिस बैग अलॉन्ग विद मी, चूँकि ऑलरेडी रात के, तो मैं बस अभी जल्दी से पैकिंग करूँगा और बस सोऊंगा, क्योंकि सोना मुझे कल सुबह जल्दी उठ के निकलना है। तो अब कल सुबह मुलाकात होती है आपसे। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माई चैनल, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। इस टाइम बज रहे 9:39, 9:39 बज रहे हैं, और अभी मुझे ड्राइवर की कॉल आई कि बस मैं आपके पास तकरीबन 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अभी मैंने करना है नाश्ता, उसके बाद नहाऊँगा धोऊँगा और तकरीबन कोशिश मेरी 10:15 तक निकल जाऊँ। 10:15 तक अपनी नाव की तरफ जाऊँगा, वहाँ से तकरीबन ये लोग 11 बजे तक निकल जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं नथियागरी। अभी बारिश आई है तो थोड़ी सी ना गर्मी लग रही है, अभी धूप निकली हुई है और नाश्ता मेरे सामने आ गया। आज के बड़े मज़ेदार किस्म का नाश्ता करता हूँ मैं, उबले हुए अंडे, नगेट्स और बादाम और साथ अखरोट। ओह क्या कॉम्बिनेशन बनाया फलान याद। तो खैर अभी बस नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ भाई, तो नाश्ता करके फारिग, अब ऑल सेट, बस तैयार हुए और फिर निकलते हैं। बैग आपके बैग का तैयार है, एक ये बैग है और एक इसमें मेरा कम सारा कंप्यूटर गियर वगैरह, ओ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। ये मेरा पर्सनल बैग है और ये ट्राइपॉड में रखा है जस्ट फॉर द सेफ्टी, कि अगर खड़े हुए तस्वीरें शस्वीरें लेनी हो, ग्रुप फोटो लेनी हो, बंदा आराम से ले सके। हाँ भाई, तो रेडी फॉर डिपार्चर, अभी बस थोड़ा सा सामान रह गया, थोड़ा सा सामान नहीं है बल्कि जो परफ्यूम्स वगैरह वो डाल लूँ, तैयार होने का वेट कर रहा था। और सबसे मज़ेदार एक बात है कि लोग ना मुझसे पूछे यार तुम्हारी दाढ़ी इतनी गाढ़ी कैसे है, मतलब कि ना बड़ी स्मूथ होती है मेरी दाढ़ी और बड़ी माशाल्लाह घनी है। तो मैं यूज़ करता हूँ J.Dot का बियर्ड ऑयल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बियर्ड ऑयल आई हैव यूज़, और इस वजह से ना मेरी जो दाढ़ी है बड़ी स्मूथ होती है। अगर कैमरे में शायद इतनी फील ना हो जाए, लेकिन बड़ी स्मूथ होती है, स्पेशली जब मेरा बच्चा मुझे मैसा खेल रहा होता ना, वो टच वच करता है ना, तो उसको बड़ा स्मूथ लगता है, वो चुपती छुपती नहीं है, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा होता है। खैर ये बातें रास्ते में भी चलती रहेंगी, तो बस अभी इसको बैग में डालें। और अभी टाइम हो गया 11:45, 10:30 निकल गया रहता था मेरा, 11:45 यहीं पर हो गया, तो उधर भी टाइम लग जाएगा, तो निकलते हैं। पहले कि ड्राइवर साहब बढ़ गया, ओ भाई अभी तक आए नहीं, एंड दिस माय गेटअप इज वेरी नॉर्मल शूज़, और ये शर्ट मेरी फेवरेट है इसलिए मैं हमेशा हर जगह यही पहनता हूँ ज़्यादातर, ये शूज़ जीन्स और रेडी टू गो। सब कुछ ले लिया था, एक चीज़ भूल गया था, अपना कवर ले लिया था, बैग का कवर सबका, कैमरे का कवर नहीं लिया, मतलब जो भी प्रोडक्ट चीज़ उसका कवर लिया, ये बैग ले लिया। अब ये बैग मेरे हाथ में रहेगा, जब भी कैमरे की ज़रूरत हो इसका नाम डाला और इसको पैक करके अभी। अच्छा मम्मा जी आई ना दरवाज़ा खोल दे, तो बस जा रहे हैं नथिया गली, बस अभी इन लॉज के घर जाएंगे, फोन को सबको उठाएंगे और फिर निकलेंगे। तो हेलो, तो अल्लाह हम मिस करेंगी। अच्छा अभी कैमरे के साथ ही हो, मैंने कह दी जाओ निकलो यहाँ से, क्या ज़रूरत है। ये हमारी ये देखे, ये अभी अल्लाह देख ले, ये गाड़ी है इसकी हमारी। और राइट जी, हम लोग अभी आए हैं, मैं अभी इन लॉज के घर आया हूँ, और ये वो बच्चा है जो मुझे कल कह रहा था कि भाई आई एम वॉच योर वॉक, सो सामी से हाय टू एवरीवन एंड। और ये हमारे अतीक भाई, अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, हाउ यू डूइंग? सो ये इनका बेटा है माशाल्लाह, और अभी हम लोग जा रहे हैं बस इनका, मेरे जो उमर भाई हैं उनका वेट कर रहे हैं, बस वो आए तो फिर उसके बाद निकले।
बस रेडी बैठे हैं, गाड़ी भी बाहर खड़ी है, सब कुछ तैयार है। या नो ये वैसे एक बात है, जब भी मेरे आदमी कैमरा शैमरा देखता है ना, बहुत एक्साइट होता है। ये भी आपको आवाज़ आ रही होगी। भाई मेरे बीवी पाला, अच्छा बीवी आ गया है नू। एंड ही इज इब्राहिम, बिग बिग सन ऑफ सदीक भाई। से आई डू एवरीवन, हेलो, ऑलराइट। सो यू लाइक पाकिस्तान? Yeah, it's pretty good. So you ready for the trip? Chalo, that's good. Ati bhai ka chota beta. How are you? हाँ भाई, तो निकल गए हम लोग नथिया गली के लिए। वैसा ये है वहाज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से कैमरा शेयर तो नहीं है आप? ठीक है। ये मेरी इस, क्या कहते हैं उसे, साडू कहते हैं? हाँ जी, साडू है मेरे, मतलब के साली के हस्बैंड। तो बस अभी इनके साथ जा रहे हैं हम लोग, आगे मैन आगे और पीछे हम लोग हैं। आराम, कैसे हो? अरहम, उधर देखो कैमरे में, अरहम कैमरे में देखो, वो देखो, कैसे हो? ठीक हूँ। हम लोग पहुंचे हैं सेकंड गए ग्लोरिया जींस बरी में, थोड़ा सा ब्रेक लेने। मैं क्या दो घंटे से चला रहा है, क्योंकि मैंने वैसे सोच के साथ मुताबिक देखा था तो गर्मी है, थोड़ा ठीक है मौसम। और बस अभी यहाँ पे आए हैं, देखते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नथिया गली। और कोई और ब्रेक नहीं लेना, थोड़ा सा ज़रा आपको पता ना, थोड़ा सा कॉफ़ी पीने। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, बस अभी थोड़ा सा हम लोगों ने ऑर्डर दिया, लेते हैं और फिर निकलते हैं। और अभी यहाँ से मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा और लगेगा ना, ये डेढ़ घंटा और, घंटा डेढ़ घंटा और है, फिर नथिया गली पहुँच जाएंगे। यार एक चीज़ का अफसोस है, ड्रोन नहीं लाया। ड्रोन मुझे था कि बारिश होगी इसलिए मैंने ड्रोन नहीं लाया, अगर ड्रोन लाया तो यहाँ की आज व्यू वही हुई। लेकिन खैर खैर, मुझे वहाँ के ड्रोन के लॉस भी नहीं पता। आई थिंक सो नथिया गली में पाबंदी है ड्रोन पर, आई थिंक सो, क्योंकि वो कैंट लाके ना थोड़ा सा माइट भी वहाँ पे हो। चलो अच्छी बात है, नहीं लाया नहीं, अच्छी बात भी है, थोड़ा व्यू पेस हो गया। लेकिन ऐसे ही व्यू देखने को वैसा मसला नहीं है, एंजॉय थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन सारा मकसद ये है कि हमारे जो भैया ना उनको मज़े आने चाहिए इससे पहले। और कोई बात नहीं, हमारा से मोटिव ये है अतीक भाई से मज़ा करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे 10 साल बाद आए थे। नहीं, मैं लास्ट आया था 2014 में आना था तो। अच्छा हाँ, वो फिर अच्छा 14 में, 8 साल बाद आप, 8 साल बाद पाकिस्तान आए, तो 8 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो बच्चे भी जवान हो गए, शादी तो हो गए, बाप बन गए माशाल्लाह। तो खैर अभी बस हो गया भाई, हाँ हो गया, अब निकलते हैं भाई। मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, गुजारा हो गया, पानी पी रहे हैं और बस फिर निकलते हैं। माशाल्लाह जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे सही प्यार लेते हैं। अभी माशाल्लाह मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैंने ना ये यहाँ पे बैठा बैठा है, वो मुझे बार बार देख ही जा रहा है, बाबा पहले पास कर ही जा रहा है, इसलिए मेरा ध्यान नज़र जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। क्यों ही जाए ना, पीला बोर्ड का बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, इतना फ़ायदा हुआ है कि मज़ा आ रहा है इसको हाथ पकड़ के। स्टेम्स है, इसको कहीं भी लेके जाओ, कोई इतना भारी भर फील नहीं हो रहा। अभी भी बल्कि उस पर लगाया हुआ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और थैंक यू सो मच BMW कलेक्शन फॉर वंस मोर, कि आप लोगों ने एक दिन के नोटिस मुझे ये भिजवाई। थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू? गुड गुड, मैं थोड़ी देर तक पकड़ता हूं। हाउ आर यू? गुड, एंड व्हाट अबाउट यू इब्राहिम? आई एम गुड। ब्रेक लिया यहाँ पे, थोड़े से बंदर चंदर आ रहे हैं, हमने कहा चलो उनको दिखाएं। अभी उस साइड में बंदर है, मैं साइड में ब्लॉक कर रहा हूँ। तो बस यार थक गए हैं बैठ बैठ के भी। इट्स वेरी गुड, देखते हैं कोई नज़र आता है तो करते हैं। क्या कैमरा?
दोनों पास बहुत है रहा, बहुत है। उमा चाचू। हाँ भाई, तो पहुँच गए दगरे कैफे। दगरे में पहुँच गए अभी। मेरे ख्याल से यही होटल है जहाँ पे हम लोग रहना है, यही है। सो ये इस तरह के तीन कमरे हैं जहाँ पे हम लोग रुके हैं, और ये स्पेशली बाथरूम है। हाँ, ये आपका भाई है। बहुत बुरी हालत है अभी, फुल ड्रॉम थक चुका हूँ। और अभी का सीन ये है कि अभी खाना खाऊंगा और सोएंगे। हाँ भाई, तो अभी थोड़ा सा बहुत रिलैक्स में नॉर्मल। आप आपको थोड़ा सा टूर देता हूँ, लेकिन बहुत गंद मच चुका है, सामान सारा अंदर आ चुका है, तो अब भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा गंद मच चुका है, लेकिन आपको एक कमरे का छोटा सा टूर तो दे दिया था इस कमरे का, और इस कमरे का भी दे देता हूँ। थोड़ा सामान पे कर चुका है, लेकिन चलो अच्छी बात है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है, ये बाथरूम में आराम से आके बंदा ब्लॉग शॉक करे और चला जाए। ठीक है, इस तरह का बाथरूम मैं भी चाहता था। ये पीछे भी आपका एरिया है, वेरी नाइस। एक ये हट भी है, वेरी नाइस यार, ये ज़्यादा प्यारा है। लेकिन इसके साथ कोई बाथरूम शाथरूम नहीं है, है बल्कि बाथरूम तो है और अटैच बॉक्स के बाथ के साथ, मतलब ये लॉन है छोटा सा, यहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सामीर इधर ही बैठा था, आप इधर ही बैठे थे ना अभी। हाँ, यू आर सिटिंग राइट हियर, यस, एंड ही इज ऑलवेज ऑन हिज फोन, ऑलवेज। What? I do not understand how long I've been on. All right. So ये एक जगह थोड़ी सी कूजी जगह, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा चिल चिल करें। And also, yeah. Don't forget to subscribe my channel. It is called Marine. MARINE Marine. All right. Don't put Mario. Don't forget to subscribe his channel, guys. अच्छा, ये वाला ज़्यादा प्यारा, ये वाला मुझे ज़्यादा वैसे प्यारा लगा, लेकिन इसका रेंट बहुत ज़्यादा है, एक रात का बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे हैं, और सामान भी आ रहा है ऐसा ऐसा, इसका रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। इसे खाट में रो, चुप करके चल मॉल में। हाँ भाई, तो अभी बज रहे हैं 9:10, और अभी थोड़ा खाना छाना खा के थोड़ा पेट वेट भर के रेस्ट वेस्ट करके बाहर अभी आया हूँ। लॉन में थोड़ा आई थिंक सो बारबेक्यू का सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बारबेक्यू यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा मज़े से भी कर लेंगे, यहाँ पे बैठ के इंजॉय भी कर सकते हैं, थोड़ी ठंड एंड भी इंजॉय करेंगे। तो यस, इज़ अ गुड प्लेस टू चिल। इसके साथ ही बिल्कुल द ग्रे वालों का रेस्टोरेंट है, अगर आपने कुछ ऑर्डर करना तो आप कर सकते हैं, आप खा पी भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। हाँ बस अभी बारबेक्यू करेंगे, इंजॉय करेंगे थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से ये ब्लॉग बहुत लंबा बन गया आज का ब्लॉग, ना करते हुए भी 15 से 20 मिनट का बन जाएगा आज व्लॉग, जो मुझे लग रहा है जिस तरह की फुटेजेस बन रही हैं और जो काम हो रहा है, 15 से 20 मिनट का तो बनेगा ही बनेगा। सो इब्राहिम इज़ हियर, मान अजान हो रही है भाई, इंजॉय कर रहा है? यस, नो नो, इट्स अजान टाइम, या। और अभी पूरे नथिया गली में सुकून.com ये द ग्रे कैफे, ये हमारे उमर भाई हैं, और ये नथे गली, और ये हम लोग हैं। मुझे हाय ला, इट्स गुड। मैं अभी दिल कर रहा है वैसे थोड़ा सा ना चहलकदमी करें, थोड़ी वर्कशॉप करें, थोड़ा सा वो ना अपना आपका स्टेमिना सही बिल्डअप हो जाता है ऐसी जगहों पे वॉक करने का। इट्स तो बड़ा स्टीप है, यहाँ से आप वॉक करो, ऊपर जाओ, वहाँ से फिर इधर जाओ, मतलब चक्कर 3-4 चक्कर लगाओ तो आप सेट हो जाओगे बिल्कुल। तो खैर, अभी अंदर चलते हैं, बारबेक्यू का सीन है, इंजॉय करते हैं, अजानें भी हो रही हैं, तो अभी नमाज भी पढ़नी है, नमाज पढ़ के फिर आपसे चल करते हैं।
बारबेक्यू सीन ऑन हो गया और हमारे एक्सपर्ट वहाज शेख उमर वही एक्सपर्ट नहीं नहीं वहाज वहाज शेख एक्सपर्ट है यार हमारा चलो इनको बोटी भी नहीं लगानी आती थी मैंने सिखाई बस फिर उमर भाई उमर सका एक्सपर्ट और जो वहाज शेख है उस शागिर्द यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है हमारा इन्होंने दुकान खोली है देसी घी के टिक्के मिलेंगे वहाँ पे सिर्फ वो आजकल एक और बड़ा फ्री मशहूर हुआ है जीला जीले का नशा लाहौर का है वो जीला वो बेचारे के साथ हाथी हुआ पिछले दिनों वो वायरल हो गई उसकी वीडियो तो वो 7 दिन लगाता था एवरी डे डिफरेंट चीज और हर चीज देसी घी में सीख कबाब देसी घी में चिकन चने देसी घी में माश की दाल तो बीच में वो फिर को मसला आ गया जिस पार्ट पे वो लगा रहा था उन्होंने देखा कि ये तो मशहूर हो गया उन्होंने उसको फायर करा दिया जीला उसका नाम ही जीला जीला तो जीले का नशा उसने एक नई दुकान खोली उसने हफ्ते वाले दिन नई कहीं स्पार्ट खोला और लोग ऐसे टूटे होते थे जैसे कहते थे कि मुझे तो 2-3 घंटे में पता नहीं लगता वो भी बस बैठे बैठे मशहूर हो गया हाँ भाई तो अभी टाइम हो गया थोड़े तिके छके बन गए तब वो खाएंगे और इसके बाद इंजॉय करेंगे फिर सो जाऊंगा तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग आई होप यू गाइस एंजॉय दिस अतीक भाई हमारे आगे अतीक भाई एंजॉय किया आपने चले फिर आप कल मुलाकात होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय टेक केयर अल्लाह अल्लाह